के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने दी पूर्व प्रधानमंत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि, कहा अटल जी का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति। शाहपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, हत्या की आशंका। एसपी नॉर्थ ने कहा जल्द होगा घटना का खुलासा। महापौर, नगर विधायक, व्यापारी वर्ग, निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने दिया भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को नम आंखों से दी भावभीनी श्रद्धांजलि, रखा 2 मिनट का मौन। अखंड भारत के संकल्प के साथ बजरंग दल का जत्था अमरनाथ यात्रा हुआ रवाना। जेसीआई गोरखपुर मिड टाउन ने शोक सभा कर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी को दी श्रद्धांजलि। ब्रह्मलीन हुए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा की शांति के लिए शिव राष्ट्र सेना ने किया शांति यज्ञ। विकास नगर में स्थानीय लोगों ने दिया पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि। मदद टीम के सदस्यों ने कैंडल मार्च निकालकर भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। और जिला फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित लीग मैच का स्थगित, सेमीफाइनल का मैच अब 18 को और फाइनल मैच 19 अगस्त को सेंट एंड्रयूज कॉलेज के मैदान में होगा आयोजित, संघ के संयोजक ने दी जानकारी।